फाइनल दोस्तों यहाँ पर जो है बिहार बीएड रिजल्ट जो है जारी हो चुका है, और बिहार बीएड रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन इसमें देने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर इसके अंक आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन इसमें दोस्तों आपको जो डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा आप उस पर क्लिक करेंगे, सिर्फ आपको लॉग इन आईडी पासवर्ड डाल करके इंटर करना रहेगा और अपना जो है सीईटी का रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। चलिए थोड़ा सा प्रोसेस आपको बता देते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है और आप यहाँ पर कैसे जो है जान पाएंगे कि आप जो है इसमें काउंसलिंग कराने के एलिजिबल हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, कितने मार्क्स आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ओपन होने के बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पर देखेंगे ई रिजल्ट ऑनलाइन, ई रिजल्ट आप सीटेट बीएड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देंगे जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों एक नया इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और अभी आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इसे आप डेस्कटॉप साइड मोड पर कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने डेस्कटॉप साइड मोड पर किया हुआ है, ऊपर की तरफ आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर देखिए एप्लीसेंट लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर साइन इन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप दोस्तों पासवर्ड भूल चुके हैं तो क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर देखिए क्लिक करके आप यहाँ से दोस्तों रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपने अपना ईमेल आईडी डाला था जब आपने बीएड का रजिस्ट्रेशन किया था तो ईमेल आईडी जिसका प्रयोग किया था वो ईमेल आईडी डाल करके यहाँ पर रीसेट करेंगे तो फिर से उसी ईमेल आईडी पर आपका एक नया पासवर्ड सेंड हो जाएगा। फिर आपका यूजर आईडी फिर से वही डाल करके आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी डाल करके जो नया पासवर्ड आया है वो डाल करके उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, इसमें देखेंगे माई एप्लीकेशन, उसके बाद प्रीव्यू फॉर्म और लास्ट में रिजल्ट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। डायरेक्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे आपका रिजल्ट यहाँ पर दोस्तों शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं सारी जानकारी ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको आप बता दें कि आप किस तरीके से पहचानेंगे कि आप जो है इसमें जो है काउंसलिंग कराने के एलिजिबल हो चुके हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए मार्क ऑप्टेन में आपका दिखाएगा, अगर यहाँ पर 40 दिखाई दे रहा है और रिजल्ट टाइप में यहाँ पर आप आएंगे देखेंगे क्वालिफाइड लिखा हुआ है। अगर क्वालिफाइड आप में दिखाई दे रहा है दोस्तों तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें जो है काउंसलिंग करा पाएंगे, यहाँ पर क्वालिफाइड आपका लिखा रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस छोटे सी वीडियो से आपको एक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो ले। इस तमाम वीडियो की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम से सबसे पहले मिलती रहती है।